अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों, विदाउट ईस्टर्न ओवन आप घर पर कैसे कुलचा बना सकते हो उसकी रेसिपी मैं आज आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 2 से 2.5 कप मैदा, थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून शुगर, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल, 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून बटर, 2 से 3 टेबलस्पून चॉप धनिया पत्ता और चाहिए 1 से 1.5 कप हल्का गर्म पानी। तो सबसे पहले हम मैदे में नमक, चीनी और बेकिंग पाउडर को ऐड कर लेंगे। स्पून से इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून दही। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हल्का गर्म पानी। सारे पानी को हम एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। मैदे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें ऊपर से डालेंगे अराउंड 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। ऑयल को हम हाथों से स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस डो को कवर कर देंगे 2 से 3 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। दो से तीन घंटे बाद अब हम इसको अनकवर करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो कि डो पहले से ज्यादा नरम हो चुका है और फूल भी गया है। तो अब हम इस डो से मीडियम साइज बॉल बना लेंगे। बॉल्स को बेलने के समय हम हल्का सा मैदा ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। तो अब हम इसको बेल लेंगे। ध्यान रखिए कि बेलने के समय बहुत ज्यादा पतला हम इसको नहीं बेलेंगे क्योंकि कुलचा का थिकनेस मोटा ही होता है। कुलचे को तवे पे सेकने के समय एक साइड में थोड़ा सा पानी लगा लीजिए ताकि कुलचा तवे पे स्टिक हो सके। अब कुलचे को ऐसे हल्के से प्रेस कर लीजिए ताकि ये स्टिक हो जाए। जब कुलचे में ऐसे बबल आ जाए तब हम तवे को पलट देंगे और गैस के आंच में इसके एक साइड सेक लेंगे। कुलचे को हमने अच्छे से सेक किया है, अब हम इसमें बटर लगा लेते हैं। और इसके लिए हम तवे पे बटर ले लेंगे और उसमें डालेंगे चॉप धनिया पत्ता। अब हम इस बटर में ऐड करेंगे कुलचे को।
सेम प्रोसेस में हम बाकी कुलचे को भी सेक लेंगे और इसमें बटर लगा लेंगे। तो दोस्तों कुलचा तैयार हो चुका है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए छोले मसाले के साथ। छोले मसाले की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे दूंगी। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।